नमस्कार दोस्तों, दीपावली का शुभ त्योहार आने ही वाला है। चंद बातें कर लें दीपावली और स्वास्थ्य के बारे में। क्या आपको याद है पिछले वर्ष दीपावली और उसके बाद के दिनों में क्या हुआ था? आइए एक नजर डालते हैं। दिल्ली की हवा कई गुना जहरीली हो गई है। PM10 है वो 1197 माइक्रोन है। गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली में सांस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और आम लोग इस जहर को सांस के साथ अंदर लेने को मजबूर है। PM2.5 का लेवल 999 के भी पार जा चुका है। सड़कों से कूड़ा साफ किया जा सकता है, हवा भी कुछ दिनों में साफ हो सकती है, लेकिन हमारे फेफड़े के अंदर जो जहरीले पदार्थ जाके जमा हो जाते हैं उन्हें किसी भी तरह से साफ नहीं किया जा सकता और हमें तरह तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। दोस्तों, क्या यही तरीका है दीपावली की खुशियां मनाने का कि एक तरफ तो हम खुशियां मनाएं और दूसरी तरफ हम दावत दें बीमारियों को और अपनी जीवन रेखा को कम करें? क्या हम आने वाली दीपावली को एक स्वस्थ दीपावली में नहीं बदल सकते? दोस्तों, ये समय है कि आप और हम मिल करके कुछ प्रण करें। नंबर एक, हम ये प्रण करें कि इस बार पटाखों को इस्तेमाल करना तो दूर, हम पटाखों के बारे में बात भी नहीं करेंगे। यानी कि से नो टू क्रैकर्स, केवल थ्योरेटिकल रूप में नहीं, वास्तव में हम इस बार पटाखा रहित दीपावली मना के दिखाएंगे। नंबर दो, हम अपनी सजावट इत्यादि के लिए फूल पत्ती इस तरह की नेचुरल ग्रीन चीजों का इस्तेमाल करें जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। नंबर तीन, हम प्रण करें कि इस बार की दीपावली के बाद हम अपनी सड़कों, अपने घर के आसपास के एरियाज को किसी तरह की गंदगी नहीं होने देंगे, हम उनको स्वच्छ रखेंगे, यानी कि स्वच्छ दीपावली। और नंबर चार, जो हमारे सड़कों पे कूड़ा इत्यादि जमा होता है जिसको अगले दिन जलाया जाता है और पूरे शहर में, पूरे देश में ये छोटी छोटी आगें मिलके बहुत सारा धुआं निकालती हैं, इसको हम हरगिज नहीं होने देंगे। अगर हम सब देशवासी मिल करके इसको एक साथ करेंगे तो हम आने वाली दीपावली को स्वस्थ दीपावली अवश्य बना पाए। मैं लंग केयर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का आने वाली दीपावली को स्वस्थ दीपावली बनाने का आह्वान करता हूं और अभी से आप सबको स्वस्थ दीपावली 2017 की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।